हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिप्लोमा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत से 2006 से लेकर अब तक एसएससी ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इकट्ठा किया है और सभी प्रश्न को मिला करके लगभग 40 से अधिक प्रश्न बने हैं इस चैप्टर से। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए एक एक प्रश्न करके हम देखते हैं सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ होता है। यहाँ पे सुल्तान दिया हुआ है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हो, तो कोई बात नहीं, यहाँ सल्तनत भी होना चाहिए, सुल्तान भी सही है। तो दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ है, 1106, 1206, 1306, 1406। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1206। देखिए, दिल्ली सल्तनत का शासन जो है वो 1206 से शुरू होकर के 1506 तक चला था, 1506 तक चला था। ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब से कब तक था, 1206 से 1526 है, ये 1526 तक चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया, गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, गौरी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज किया था। चलिए एक एक करके हम पाँचों राज वंशों को देखते हैं। पहला वंश हमारा था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। तो देखिए, इसको ट्रिक के सहायता से हम याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो जी से हो गया हमारा गुलाम वंश, गुलाब खिले मतलब के से हमारा हो गया खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, सुगंध मतलब सैयद वंश और लो मतलब लोधी वंश। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कौन कौन से वंश, पांचों वंश थे जो दिल्ली सल्तनत पर राज किए थे। तो देखिए, गुलाब खिले तो सुगंध लो, यानी कि गुलाब से हो गया हमारा गुलाम वंश, गुलाब खिले मतलब खिलजी वंश, तो तुगलक वंश और सुगंध से हो गया हमारा सैयद वंश, लो से हो गया लोधी वंश। तो देखिए, इस ऑप्शन में लोधी वंश तो नहीं है, लेकिन उसके जगह एक गौरी वंश दिया है, तो गौरी वंश का हमने जिक्र नहीं किया। पांचों वंश में हमारा क्या है, गौरी वंश नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौरी वंश। देखिए, गौरी वंश जो है मोहम्मद गौरी का कार्यकाल था वो 1206 में समाप्त होता है। तो जब 1206 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, तो गौरी वंश हमारा दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का है या 2.5 दिन का, तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 11वीं। तो आपको ये बताना है किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो देखिए, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और इसने कब स्टार्ट किया था, 1206 में स्टार्ट किया था। इसका कार्यकाल था 1206 से 1210, लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाया था। इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं और वो 1210 से लेकर के 1236 तक इसका निर्माण कार्य चलता है। यानी कि कुतुब मीनार का कार्यकाल जो है, बनने का कार्यकाल जो है 1206 से लेकर 1236 के बीच में है। तो देखिए, जब 1200 प्लस हो जाता है कोई भी सन, तो वो 13वीं सदी में चला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वीं शताब्दी। इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा कि 1206 से 36 के बीच निर्माण होता तो 12वीं शताब्दी, नहीं, अगर 1200 क्रॉस कर गया है तो वो 13वीं शताब्दी में चला जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। तो देखिए, हमने भी बताया कि शुरुआत तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको ख़त्म किसने किया था, इसको पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो आपको ये बताना है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिरुद्दीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था। तो देखिए, दिल्ली का जो पहला सुल्तान था, सुल्तान नहीं कह सकते हम, पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था,
लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, ना तो ये अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। प्रभुता सब पहला जो है दिल्ली सल्तनत प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मीनास उन सिराज, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। तो देखिए, हमने अभी बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, ये कौन किया था? इल्तुतमिश ने। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को मानते हैं और यही दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अभी हमने डिस्कस किया, इल्तुतमिश जो है दिल्ली को अपना प्रथम राजधानी घोषित किया था और यही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नासिरुद्दीन खुसरो। तो चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? किसको एक शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया? देखिए, चिहालगानी क्या है, ये तुर्क 40 तुर्क सरदारों का एक टोली थी, जिसको हम लोग मतलब किताबों में इसको चिहालगानी कहा गया। चिहालगानी का मतलब होता है तुर्की, 40 तुर्की सरदार थे उनको चिहालगानी कहा गया है। तो इनका विनाश कौन किया गया था, इसको विनाश का श्रेय किसको दिया गया है? इसका विनाश का श्रेय जो दिया गया है वो बलबन को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बलबन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बलबन। तो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चिहालगानी या फोटी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहा, लेकिन देखिए क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चिहालगानी, इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये आपको बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमस, इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की, बलबन की। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी, रानी दिद्दा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, वे दो वंशज थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और तत्काल बाद में शासन किया। तो आपको ये बताना है खिलजी वंश से पहले किस वंश का शासन था और खिलजी वंश के बाद में किस वंश। तो अभी हमने ट्रिक बताया, गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो यानी खिले मतलब खिलजी वंश के पहले तो गुलाब आता है, तो गुलाब से गुलाम वंश पहले आता है, गुलाम वंश, और खिलजी के बाद खिले तो इसके बाद तुगलक वंश, यानी खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश और उसके बाद में तुगलक वंश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुलाम वंश तथा तुगलक वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, आपको ये बताना है कि दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो कहाँ के थे? मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट कबीला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्क। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कहाँ के थे? तुर्क के थे। देखिए, अभी हाल ही में तुर्की का नाम बदल करके मतलब बदल दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि तुर्की का नाम बदल के क्या कर दिया गया, कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर देना है कि तुर्की का नाम बदल करके नया नाम इसका क्या रखा गया है। ये करेंट का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था, स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था, मतलब किसको कहा जाता था सिकंदर, दूसरा सिकंदर? सो बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, सिकंदर लोदी को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, इसने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था या सिकंदर ए सानी कहा था। चलिए अगला प्रश्न,
सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। तो ये विशाल सेना किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? साजी मलिक, खिजर खां, मलिक काफूर, उलूक खां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। देखिए मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही विश्वासपात्र सेनापति था, उसी को इसने सौंपा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? आपको ये बताना है कि कौन दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? देखिए भारत का तोता किसे कहा जाता है, इसको एक और भाषा में तोतीय हिंद या तूतीय हिंद भी कहीं कहीं आता है। तो किसको भारत का तोता कहा जाता है या तोतीय हिंद कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है या तोतीय हिंद कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? बदायूनी, जियाउद्दीन वर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा शासकों का कार्यकाल देखा था। चलिए अगला प्रश्न देखें। वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ये आपको बताना है कि दौलताबाद किसके समीप स्थित है। ऑप्शन हमारा दिया है मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद, भोपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये औरंगाबाद किस राज्य में है वर्तमान में? तो ये महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, हुमायूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, बाबर को, अकबर को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो ये आपको बताना है किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? देखिए यात्री जो था इब्न बतूता, ये कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार को जैसे आज हम देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया, देखिए बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। वर्तमान में जिस तरह से हम कुतुब मीनार को देखते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की?
दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश, लोदी वंश। दास वंश, देखिए इसका मतलब है गुलाम वंश। तो किस वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। देखिए ये पांचों वंश हैं, पांचों वंश का कार्यकाल यहाँ पे दिया गया है। पहले है गुलाम वंश, दास वंश या गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक इसने शासन किया था। उसके बाद खिलजी वंश आता है 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश आता है 1320 से 1414। सैयद वंश आता है 1414 से 1451। लोदी वंश आता है 1451 से 1526। तो ये आपको याद रखना है, पांचों राज वंश हैं जिसने दिल्ली सल्तनत से शासन किया और उनका कार्यकाल दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तो देखिए ट्रिक हमारा क्या है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो सुगंध तो के बाद क्या आता है, सुगंध। तो तुगलक तो से हो गया तुगलक वंश और सुगंध से हो गया सैयद वंश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद वंश। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन काल में आता है? तो सैयद वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी तथा लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। अगर लोदी वंश का अंतिम शासक पूछे तो इब्राहिम लोदी और संस्थापक पूछे तो बहलोल लोदी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का राज्य काल कब समाप्त हुआ? तो हमने शुरू में ही बताया कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1206 से स्टार्ट होता है, 1206 से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है, 1526 तक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1526। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ, 1526 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो देखिए ट्रिक से हमारा पता चलता है कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, अंतिम में लो आ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोदी वंश। अंतिम वंश कौन सा था, लोदी वंश, और इसका अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संतलतकालीन काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो ये आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी, चित्रकला की, स्थापत्य कला की, नृत्य कला या संगीत कला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थापत्य कला की। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था आज का। ये सभी प्रश्नों का कलेक्शन हमने आपके सामने दिया, जो लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके डाउट्स हों वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।